मोर। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आज मैं आ गई हूँ एक ऐसी रेसिपी के साथ जो तकरीबन सबको ही पसंद है। तो वो क्या है? वो है बिरयानी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए जी, तो मैं सबसे पहले आप लोग को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमारे पास है 4 बड़े टमाटर, उसके बाद 1 कप हमारे पास ऑयल है, गरम मसाला है हमारे पास, 7-8 हमारे पास काली मिर्चें हैं, 2-3 दालचीनी है और 2-3 लौंग है। उसके अलावा हमारे पास 4 से 5 आलू हैं जिसको हम लोगों ने जर्दे के पानी में भिगो दिया है। उसके अलावा हमारे पास 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 1 बड़ी प्याज है, 18 से 20 हमारे पास पुदीने के पत्ते हैं। उसके अलावा हमारे पास बम्बई मसाला बिरयानी का पैकेट है, ये देखिए ये मसाला है। उसके अलावा 1/2 टेबल स्पून हमारे पास कुटी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1/2 कटोरी दही है, और उसके अलावा 1 किलो हमारे पास राइस है। अच्छा जी, तो हम लोगों ने चिकन मैरिनेट करके रख दी थी, 2 घंटे हो गए हैं। आप लोगों को मैंने मैरिनेशन की जो रेसिपी थी वो अपनी फर्स्ट वीडियो जो मैंने बिरयानी की बनाई थी उसमें बताई है, लेकिन मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को रेसिपी बता देती हूँ कि मैरिनेट इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने चिकन लेनी है, चिकन में आप लोगों ने 1/2 कप दही डालना है, उसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून आपके पास जो बिरयानी मसाला है उसका ऐड करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबलस्पून और जर्दे का रंग ऐड करना है और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद हम अपनी प्याज ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा सा जो है वो ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम अपना गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो हम ये सिंपल बिरयानी बना रहे हैं, इसमें अपना गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो अब हम अपना मसाला ऐड करते हैं, उसके साथ ही साथ हम अपना दही भी ऐड कर देंगे। मैं इसको स्पून से सही से डाल दूंगी। इसके बाद हम अपने टमाटर भी ऐड कर देंगे और साथ ही साथ कूटी मिर्चें भी हम अपनी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि टमाटर और आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। उसके बाद हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे। अभी हम इसको कवर करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी, 10 मिनट्स हो गए हैं और हमारे आलू भी जो है वो थोड़े बहुत गल गए हैं। अब हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। अच्छा जी, जो थोड़े बहुत आलू रह गए हैं वो हमारे चिकन में दही है तो उसके पानी से वो गल जाएंगे। तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट तक ताकि ये आलू और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छा जी, ये देखिए हम लोग का मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भून गया है और रोगन भी अब ऊपर आने लग गया है। अब हम इसमें अपना पुदीना और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हम लोग अपने चावल ऐड करेंगे और पानी आप लोग अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं कि आप लोग कौन से चावल यूज कर रहे हैं। मैं अपने हिसाब से पानी डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ही पानी डालिएगा।
अब जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको थोड़ी देर में दम पर रख देंगे। जी अब हम देखते हैं कि हमारे राइस जो है वो दम पर आ गए हैं। चलें जी ये देखिए हमारे राइस दम पर आ गए हैं। हम लोगों ने ऊपर से इस पे थोड़ा थोड़ा सा जर्दे का रंग भी ऐड कर दिया। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा फाइनल लुक। आप लोग बिरयानी को रायते और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।